नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी, आसानी से बनने वाली अरबी प्याज की रेसिपी लेकर आए हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और जिसे देखते ही आपका तुरंत बनाने का मन करेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है अरबी, मैंने आधा किलो के करीब अरबी ली है और मैंने गोल वाली अरबी ली है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि ये गलती बहुत अच्छा है। और इसको पहले हाथों पे ना सरसों का तेल लगाकर छील कर काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए, सारी अरबी को हमने छील भी लिया, काट भी लिया। मैं आपको बताती हूँ कैसे काटा है। मैंने एक अरबी में से पहले दो भाग करे थे और इसमें से एक भाग और कर दिया है। मैंने एक अरबी के चार भाग करे हैं। ऐसे ही मैंने सारी अरबी को काटा है, लेकिन अभी तक मैंने इसे धोया नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सारी अरबी को हमने काट लिया। मैंने एक चम्मच के करीब नमक लिया है, इस पे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 10 मिनट तक इसको हम ढककर रख देंगे। उसके बाद छन्नी में डालकर अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए, सारी अरबी को मैंने 10 मिनट ढकने के बाद ना छन्नी में डालकर बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। थोड़ा सा इसे मैंने सुखा भी दिया है कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो। अब मैंने लिया है एक कढ़ाई, जिसमें डाला है स्मोक मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं उसमें अरबी बनाऊंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, उसे गर्म कर लें। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें अरबी को डाल दूंगी। अब इसे हमने ना चलाते हुए, अलटते पलटते हुए हाई मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है, जिससे ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। देखिए, हो गई है। इसे करने में हमारे 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ऐसा करने से जो अरबी है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। इसका ऑयल झाड़कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने कुकर लिया है और उसी में से थोड़ा सा ऑयल डाला है कढ़ाई में से। इसे गर्म कर लेंगे और जैसे ये गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन, 1/2 टीस्पून ही जीरा डाल रही हूँ। अजवाइन से टेस्ट भी बढ़ता है अरबी का और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैंने एक प्याज ली थी, ये थोड़े बड़े साइज की प्याज थी, मैंने एक ली थी, उसको चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। देखिए, प्याज जल्दी से हो जाए और अच्छे से हो जाए, मैं नमक अभी से डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, आप स्वाद अनुसार डालें। और प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक हमने भून लेना है। देखिए, प्याज हमारी सुनहरी हो गई है। अब डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा चला देंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, मैंने उसका यूज़ किया है, क्योंकि 1/4 टीस्पून मैं उसमें पीसी हुई काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। अच्छे से पहले मिक्स कर दें मसालों को। मैंने एक टमाटर को मिक्सी में पीस के लिया है, वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा चला देंगे, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब दही। ये कम खट्टा दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। इससे जो ग्रेवी है ना, बहुत स्मूथ बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर दें। अब डालेंगे पानी, मैं इसमें 1 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। पहले तो तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे। अब इसमें अरबी भी डाल देंगे। मैंने 4 हरी मिर्ची ली थी, इनको चीरा लगा लिया था, वो डाल रही हूँ। इसके साथ मैंने ली थी 2 प्याज, ये छोटे साइज की प्याज थी, इसको 4 भागों में काटने के बाद मैंने खोल लिया था, वो डाल रही हूँ। अब इसे भी ना तरी में अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीजों को। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे।
हाई मीडियम फ्लेम पर एक विसल लगाएंगे। हमने कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोलना है। देखिए कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ऐसी अरबी को आप चावलों के साथ खा सकते हैं, परांठे के साथ खा सकते हैं, आप इसको पूड़ी के साथ भी खाएंगे ना, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें क्योंकि ये घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।